Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and... Hello students, well, मैं सरताज सर और आज मैं आपको कुछ क्रिकेट से रिलेटेड एक स्टार के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आपको बहुत सारे क्रिकेटर्स के नाम याद होंगे, बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके फेवरेट भी हो सकते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सुनील गावस्कर का, जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेला। लेकिन क्या वजह थी कि वो स्टार बन गए, किसका हाथ था आखिर उनके स्टार बनने के पीछे, और उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी पल आया कि शायद आज सुनील गावस्कर क्रिकेटर ना होते, वो शायद आज कहीं और होते। आपको सब जानना है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज की कहानी में यही बताने वाला हूँ। वेल, मैं सरताज सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ NIOS 12th क्लास इंग्लिश की बुक का पहला चैप्टर, और आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, इस चैप्टर का नाम है माय फर्स्ट स्टेप। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस चैप्टर में सुनील गावस्कर के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में क्या लिखा है। मैं फिर से इस वीडियो में वापस आऊंगा। सुनील गावस्कर, जब जब क्रिकेट का नाम आता है सुनील गावस्कर का नाम जरूर आता है, लेकिन सुनील गावस्कर की जिंदगी में एक ऐसा पल आया था जो शायद अगर वो हो जाता तो सुनील गावस्कर आज हमारे बीच नहीं होते एक क्रिकेटर के तौर पे, बल्कि वो दुनिया में होते एक मछुआरा के तौर पे, यानी कि एक मछुआरे के तौर पे होते, मछली पकड़ रहे थे। हुआ यूं कि 10 जुलाई 1949 को सुनील गावस्कर का जन्म हुआ। अब जब जन्म हुआ तो पहले दिन बहुत सारे रिश्तेदार सुनील गावस्कर को देखने आए, बच्चे को, छोटे से बच्चे को। तो उन्हीं के एक रिश्तेदार जिनका नाम था नारायण मसूरकर, वो सुनील गावस्कर को देखने आए, और जिन्हें वो ननकाका भी बुलाते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि सुनील गावस्कर जब छोटे थे, न्यू बॉर्न बेबी थे, पहला दिन था, तो उनके कान में एक छेद था जन्मजात। अब वो जब दूसरे दिन देखने आए तो जो बच्चा माँ के पास लेटा हुआ था वो छेद उसके कान में नहीं था। तो फौरन शोर मचा देते, भैया हमारा बच्चा नहीं है, मैं कल देख के गया था, इसके कान में छेद था, ये तो है नहीं आज। तब अस्पताल में हड़कंप मच जाता है, तलाशा जाता है, और बाद में पता चलता है नर्स की गलती थी, वो नहलाने ले गई थी बच्चे को, और उस वक्त बच्चों की अदला बदली हो गई। सुनील गावस्कर जो रह गए थे एक मछुआरन के पास, एक फिशर वुमेन के पास, और जो उसका बेटा था मछुआरन का, वो सुनील गावस्कर की जगह चेंज हो गया था। तो अगर उस वक्त नन काका इस चीज़ को नहीं देखते, नोटिस नहीं करते, तो शायद आज सुनील गावस्कर शायद हमारे बीच एक क्रिकेटर के तौर पे नहीं होते। आइए अब सुनील गावस्कर जब बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो वो किस प्रकार से अपना करियर बनाते हैं क्रिकेट में, और उनकी माँ का क्या योगदान है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सुनील गावस्कर को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो उनकी माताजी ने हेल्प करी उनका शायद करियर बनाने में, हम कह सकते हैं, क्योंकि सुनील गावस्कर बचपने में क्रिकेट खेलते थे जो है अपने घर के अंदर, गैलरी थी, बरामदा था, और उसके अंदर अपनी माता के साथ एक बैट लेकर और एक बॉल लेकर कॉस्को की, जो बहुत काफ़ी हेवी होती थी, उसके साथ जो है क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करते थे, और वो बॉल अक्सर उनकी माँ की नाक पर लग जाती थी। तो सुनील गावस्कर बहुत डर जाते थे कि शायद अब माँ मारेगी, डांटेगी, और वो शायद मना करेगी कि अब मैं नहीं खेल रही हूँ, लेकिन वो फौरन अपना मुंह धोकर आती हैं, खून को साफ करती हैं, और फिर से सुनील गावस्कर के साथ क्रिकेट खेलने लग जाती हैं। तो इससे उन्हें एक प्रोत्साहन मिलता है और वो डरते नहीं थे, और उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन घर से लेकर और भारत में इंटरनेशनल लेवल तक किया। सुनील गावस्कर के खून में हम कह सकते हैं क्रिकेट था, क्योंकि उनके पिता जो थे वो एक अच्छे क्लब क्रिकेटर थे, साथ ही साथ उनके अंकल भी एक क्रिकेटर थे जिनके पास बहुत सारे मेडल्स थे। और सुनील गावस्कर जब उनके घर जाते वो जर्सी देखते कि ये मुझे एक दे दो, तो सुनील गावस्कर के अंकल बोलते कि अगर तुम्हें जर्सी चाहिए तो इसे खुद अपने दम पर पाने की कोशिश करो, मैं नहीं दूंगा। तो ये प्रेरणाएं उन्होंने अपनी माता से, अपने पिता से, अपने अंकल से ली। आइए अब जरा उनके करियर पर गौर करते हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर नजर डालते हैं। आपने कि अगर सुनील गावस्कर के कान में वो छेद नहीं होता तो आज सुनील गावस्कर शायद क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, और क्या पता वो जो मछुआरन का बेटा था वो क्रिकेटर बन पाता या नहीं, कैसे बन पाता, सबका टैलेंट अलग अलग होता है। और साथ ही साथ सुनील गावस्कर की जो माता जी हैं उन्होंने भी पूरा साथ दिया सुनील गावस्कर के क्रिकेटर बनने में। आइए अब मैं आपको इसके पेजेस के बारे में बताता हूँ, हर एक पेज पर इस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर मैं लास्ट में इसको आपके कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर।